नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और जो आप देख रहे हैं गेम, उसका नाम है ईए क्रिकेट का 2004। ईए स्पोर्ट्स वालों ने बनाया था इनको 2003 के आसपास, और आज फाइनली हम लोग इस गेम का यूज करके प्रेडिक्ट करने वाले हैं तीसरा T20 इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, जो जहाँ पे दो मैच ऑलरेडी इंडिया हार चुकी है। जमैका में रख रहे हैं हम लोग मैच। कुछ इस तरह की स्क्रीन है, 20 ओवर्स का फुल गेम प्ले होने वाला है, मतलब जब हमारे गेम प्ले फॉर्मेट की स्टाइल्स है वो वार्म नॉर्मल, बाकी जिसमें ऑप्शन तो है बहुत सारे, बट हम लोग नॉर्मल के साथ ही जा रहे हैं। ओवर का सनी ठीक है, वार्म हॉट ह्यूमिड 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 रख देते हैं। जी हां, एट जमैका फॉर द एग्जिबिशन मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत लिया, बैटिंग का फैसला कर लिया। West Indies have elected to bat. It'll be interesting to see if they've made the right decision as the match develops. It's uncomfortably hot and humid here today. The players are going to suffer out there in these conditions, I reckon. मैं चाहता था इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे, क्योंकि अगर मान लो ये लोग अच्छी बैटिंग नहीं किए तो हमारे रन चेज आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पिच की झलक देखने को मिलती है। Batsmen play sensibly. There are some big scores to be had out here. For the seam bowlers, there won't be any great movement in this pitch. But there might be just enough if they can keep the ball in the right place. There could be some spin from the start, and as the match progresses, the ball will begin to turn a lot more. Here come the teams. Yahan pe certainly look focused. The team India is here. मैदान में उतरते हुए high hopes के साथ कि कम से कम यहाँ से अब नहीं हारेगी। So let's take a look at the teams. Here's the team. और ये playing 11. Tendulkar. मैं भाई कितना भी कर लेता, आज वाले players नहीं आते। Yuvraj Singh, Mongia, Harbhajan Singh, Khan, Balaji, and Lehra. तो ये इंडिया टीम थी। और हाँ, जो लोग कहते हैं कमेंट्री में प्लेयर्स के नाम नहीं आ सकते, ये देखो भाई 400 एमबी की गेम में पीसी के, वो भी सैमुएल्स, हाउ, जेकब्स, हर्ली, ड्रेक्स, डिलन एंड कॉलिमोर। और ये सब चीजें हम भाई पहले लगती थी मोबाइल में, अब आई थिंक मोबाइल में रियल फेसेस भी पॉसिबल हैं, सारे नहीं ऑलमोस्ट भी नहीं, 50% भी आ जाएंगे तो बहुत है, और नाम भी आ सकते हैं, बस करने की है भाई। ठीक है, गेंदबाजी आई है। वाह, क्या गेंद डाली है पहली, इतनी वाइड कंट्रोल का मुझे इतना आइडिया नहीं। ठीक है, वाइड है तो नहीं, अंपायर दे दें तो बात अलग है। अरे यार, यू कांट गेट अवे विद एनी विथ इन वन डे क्रिकेट। अब समझ में आई गेंद करनी कैसे है। यहाँ पे मुझे पता है कि ऐसे रोकनी होगी उसकी पेस, तो वो हमने रोक दिया पहली गेंद। अरे बाप रे, वी लुकिंग फॉर दैट बॉल फॉर डेज, ही हार्डली सीम टू हिट इट, बट इट्स गॉन फॉर सिक्स। पहली बॉल पे सिक्स यार। अभी का स्कोर कार्ड है 15 ओवर में 111 रन 5 विकेट। अब हम आ रहे हैं गेंदबाजी। 16 ओवर स्टार्ट हो रहा है, आशीष नेहरा टू पॉवेल, दो स्टंपिंग भी देखने को मिले द्रविड़ जी की तरफ से जो हमारे कोच हैं। अभी गेंदबाजी में आ गए हैं भाई आशीष नेहरा, इनकी तबाही मचेगी। भाई मुझे डाउट था वाइड ना चली जाए, लीव ना कर देंगे। अरे नो बॉल, तो ये भी वाइड नहीं है, बट एटलीस्ट नो बॉल बचा लेना। कट किया, शूट स्टीयर्ड एक्सपर्टली इनटू द गैप, स्टॉप्ड बाय ड्राविड, वन रन। अब थोड़ी शांति हो गई, कमेंट्री ऑफ कर दी है मैंने, उम्मीद करते परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखे। कैच एकदम लाइन में मारा है शॉर्ट फील्डर के, डीप कवर पे, ओह स्लाइडिंग की जरूरत नहीं थी, वो भी कुछ अजीब ही तरह का स्लाइड था, ये सामने से जाके फिसल गए। भाई बॉल का जो पिच है ना, बहुत वियर्ड तरीके से चेंज होता है, बहुत स्पीड से, ये पैरों पे गेंद और इसका हाल बेहाल 6 रन के साथ। सीम बदलते हुए ऑफ स्टंप पे रखते हुए क्रॉस एंगल, बेहतर रही थी गेंदें इस बार, गैप डीप पे पता लगेगा क्या है, फिर स्लाइड मार दी। उठने में 10 सेकंड लगता है इनको, ऑप्शन भी बेहतर है, स्लोअर रखा है, इससे स्लो नहीं डाल सकता मैं गेम। वो फ्लैट मारा पॉइंट पर, 4-6 आई थिंक 4 होगा, रिप्ले भी मैं देखता हूँ किस तरह का आता है इस गेम में। युवराज सिंह आए, इसी बहाने आपको एक ओवर स्पिनर का भी देखने को मिलेगा, लेफ्ट आर्म, दोनों लेफ्ट आर्म ही थे। अरे ये तो मीडियम पेसर निकले वो भी आशीष नेहरा, अरे इरफान पठान के एक्शन के साथ, डॉट कट किया, स्लिप मौजूद है, क्या पता इस गेम में भी यॉर्कर्स काम कर जाए। नहीं किए, पहली गेंद पे नहीं किया क्योंकि स्ट्रेट सिक्स लगा दिया है, रिप्ले नहीं आया है जैसा आप देख रहे हो, मुझे लगा आता होगा, मुझे लगता था मैं हर बार एफ बटन दबा देता हूँ इसलिए स्किप हो जाता है, बट नहीं, सिक्स मारने के बाद भी कोई रिप्ले नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन आ रहे हैं वो भी रिपीटेड वाले ही, पेस बनाते हुए तेज गेंद और कवर पर इस बार
एक बार फिर बाउंड्री पे रुकने वाली है गेंद, बढ़िया स्लाइड रन नहीं लेते दूसरा, बाकी चांस तो फुल है लेने का। ये लास्ट बाउंस की लाइन है, इससे ज्यादा बाउंस आप इस गेम में नहीं डाल सकते। ओह स्टंप्स के ऊपर से गई, बच गए। स्क्वेलक डीप है इसलिए मुझे नहीं लग रहा मुझे, अरे यार ऑफ स्टंप, चलो रुकेगी ये भी डीप में रुकेगी उम्मीद कर रहा हूँ। जी नहीं, गैप में चार निकाल दिया लास्ट बॉल पे, भज्जी पाजी आ गए। फाइनली हाँ, फाइनली स्पिनर आपको देखने को मिलने वाला है और मुझे लग रहा है तेज गेंदबाज बचे भी नहीं, क्योंकि अगर होता तो ऑप्शन आ जाता तो हमें पार्ट टाइमर्स के साथ ही एंड करना होगा कैच। अरे फील्डर को चेंज करने थे, डिफॉल्ट फील्डिंग आ जाती है इसमें हर बार, अटैकिंग फील्डिंग, सारे फील्डर अंदर से बाहर दो को छोड़ के। थोड़ी बहुत इनके ऊपर रहम भी दिखा रहा हूँ लेकिन इस बार मैंने फुल यूज किया है सब कुछ। ये सिक्स लगा दिया, एडवांस सिक्स, 0.2 गेंदों में 15 कैसे दे दिए इन्होंने, ये समझ नहीं आया मुझे। ये भी गैप, बहुत तगड़ा खेलता है AI। डिफिकल्टी मैंने कोई सेट नहीं की थी, डिफॉल्ट ही रखी थी। बहुत हो गई तेज गेंदे, अब स्लोवर की पारी है। यार सिक्स सिक्स सिक्स, सब अपर स्टैंड्स में जा रही है। इस गेम का मैं कोई तुर्रम खान नहीं हूँ। तेज गेंदे बेहतर रही, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बैटिंग करूंगा इसे, इंडिया के लिए स्कोर बहुत टफ है अब स्पीड को यूज करते हुए। अरे यार ये स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है कि कैच का कॉल है, देखो तब पता लगता है कि भाई ये तो चार पड़ गया। तानसारो गांगुली 19वां ओवर करने आते हुए, फील्डिंग चेंज नहीं की होती, अरे कोई मतलब भी नहीं था शॉट के बाद, 6 मारा है तो फील्डिंग से कोई संबंध ही नहीं है। अभी मेरी नजर गई है लेफ्ट साइड पे, एक रेड कलर का कोई निशान आ रहा है टेबल जैसा, आई थिंक वो अग्रेशन लेवल बता रहा है बल्लेबाज का। बैटिंग तो बहुत कमाल की, 4 रन कवर ड्राइव। मैं इसमें लाइव कर रहा था तो डेफिनेटली एक दो ट्रिक मिल जाती आप लोगों की तरफ से, बट यहां पर तो मैं बेहाल हूं भाई। 6 46 रन पेस, वाह भाई तूने पेस शुरू में क्यों नहीं डाली, पेस 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 बीट, 3 डॉट पेस बरकरार, थोड़ा और फिर से बीट, 4 डॉट का और पेस अच्छा है। यार गैप है, बाउंड्री रोप पे होगी कंपटीशन, फील्डर और बॉल के बीच में जिसे जीत लिया है बॉल ने। आखिरी गेंद ओवर कमाल कर रहा है और जिस स्टंप पे, चलो आखिरी गेंद पे विकेट सेलिब्रेशन भी देखने को मिल गया, नहीं तो 5 पे 5 ही बना हुआ था वेस्ट इंडीज का। कुछ इस तरह से राहुल द्रविड़ ने किया स्टंपिंग, कीपिंग कमाल की है, 3 स्टंपिंग आई थिंक 6 में से जो विकेट गिरी है उनमें से 3 आपको स्टंपिंग देखने को मिलने वाली है। इंतजार चल रहा है, क्या फोटो है भाई ये वाला तो तगड़ा सेलिब्रेट करते हुए आता तो और अच्छा था, बट दैट्स द इनिंग, एंड ऑफ द इनिंग आज के मैच की। ये क्या है भाई, पीछे प्लेयर आ रहा है और यहाँ पे रिज्यूम करने पे इंडिया की बैटिंग आ गई, कुछ है ही नहीं, एंड ऑफ स्टार्ट कुछ भी नहीं है। सचिन आया बैटिंग करने पहली ओवर में मुझे लगा आएगा एनिमेशन एग्जिट वेक्टर का इंतजार कर रहा था। कॉलिंस कॉली मोर यहाँ पे आते हुए गेंदबाजी में, पहली गेंद तो भाई रिस्पेक्ट के साथ ही खेलनी पड़ेगी, अभी कोई मस्ती नहीं। ऐसे तो फाइन मार सकता हूँ, डब्लू बैक फुट दबाऊंगा, ठीक है कंट्रोल पता नहीं, यही है कि कोई और है। तगड़ा पेस बीट, 135 पे 2, इंडिया के लिए चढ़ान बहुत मुश्किल वाला है। 30 गेंदों में 62 करने, इसलिए नहीं है कि 30 में 62 करने, इसलिए है क्योंकि मैं इस गेम में काफी नया हूँ। 8 विकेट जमा है मेरे पास। मार्वन सैमुअल्स आते हुए, तेंदुलकर 3 रन दूर है, नहीं 69 कर चुके हैं 47 बॉल्स में, तो सेंचुरी का बात हो रही है भाई यहाँ पे कि सेंचुरी कित कैब होगी। मुझे जो शॉट लग रहा है अगर वो लग गया तो, अरे यार अरे एक्सपेरिमेंट मत कर, 29 में 62, कहाँ मारूँ वही मार रहा हूँ सेम शॉट। अरे भाई कहाँ सामने LBW हो रहा है, उस समय DRS भी नहीं था, जो एक्सेप्ट करोगे करना पड़ेगा, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। स्विप शॉट सिर्फ मान लेते एक बार चल जाता, बट यहाँ स्टंप्स के सामने आउट होना भारी पड़ा है यहाँ पे। सचिन आउट हुए 69 पे, कोई नया खिलाड़ी आएगा, 7 विकेट जमाए मेरे साथ। लॉफ्टेड अप्रोच अपनाना चाह रहा था बट डर गया थोड़ा कि अगर मान लो थोड़ा इधर उधर हो गया तो क्या होगा। तो ये गेंद भी ऐसे दे रहा, चल भाई उठा देख लेते हैं क्या होता है। बीट कहीं टाइमिंग मीटर कुछ पता नहीं, इंडिया जिस तरह से T20 ये सीजन खेला है ना। ओके 6 रन बस ये चाहिए मुझे, 10-12 और उम्मीद कर रहा हूँ मिस मत होना, ठीक है इस बार थोड़ा सा रन दौड़ते रहो, वो नहीं दौड़ते थे 2 तो हम थोड़ी ना ऐसा रुकेंगे, ठीक है। बाउंड्री गैप के थ्रू 2 बड़े हिट, अभी ये सब पैरों पे डाल रहा है तो मेरे शॉट्स भी सब उसी तरह से होंगे, फ्लैट है। आई थिंक ये 6 की दूरी तय करेगा, ये बात भाई 3 बड़े हिट के साथ लग ही नहीं रहा कि वही हूँ मैं जो 2 गेंदों में बीट हुआ था। रिक्वायरमेंट अभी भी 11.50 बना हुआ है। फील्डिंग में आप देखोगे तो ठीक है, वह शॉट के तो गैप है ही, पिच कैसी डालेंगे, तेज गेंदबाज हैं ठीक है, थोड़ा पछाड़ना चाह रहे हैं,
ठीक है, मैं बैकफुट के मूड में, कनेक्ट होनी चाहिए बस। और बहुत ही अच्छा पुल, बहुत ही अच्छा पुल, 4 रन, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहला शॉट था बैकफुट पे तो थोड़ा नर्वस भी था। ऑफ स्टंप थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ऑफ स्टंप खेलना इसलिए बेहतर है कि मैं बैकफुट, ओह 1 रन दौड़ा रहे हैं क्विक, यहाँ पे पता लग जाएगा ये क्या इस गेम में क्विक सिंगल पॉसिबल है। जवाब है हाँ, बिल्कुल क्विक सिंगल पॉसिबल है। हर गेम पे मैं भाई सेम नहीं खेलने वाला, बीट ऑफ स्टंप खेला था, पेस बहुत अच्छा। 6 स्पिनर को लगा है इस लाइन पर और तेज गेंदबाज को मिली है विकेट। पहला शॉट था लॉफ्टेड तेज गेंदबाज पे, जिसे 38 भी क्रॉस नहीं करा पाए यहाँ पे खिलाड़ी, और खुद पवेलियन क्रॉस करना पड़ेगा। इंडिया को लगा है एक और झटका, विकेट नंबर 4। 6 खिलाड़ी अभी बचे हैं हमारे पास, टाइमिंग धीरे धीरे आई थिंक हाँ धीरे धीरे कम होगा। फाइनली रिप्लेस गेम में देखने को मिला, चौके छक्कों में तो दिखाई नहीं था। कैच ड्रॉप होता है कि नहीं उसके लिए तो भाई ये गेम खेलनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि एक मैच में आपको ड्रॉप पता लगेगा कि होता है कि नहीं। मोहम्मद कैफ 6 गेंदों में 16 करके गए। एक बात और मैं कहूँगा, मुझे अभी बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं तेज, मतलब एक रन तो नहीं नहीं यार वापस करा दिया, मुझे नहीं मालूम मैं अर्ली खेल रहा हूँ लॉपेट की लेट। अरे बाप रे, 18 में 39 और फील्डिंग क्या कमाल की लगाई है। मुझे जबरदस्ती ऑफ स्टंप मारना पड़ेगा, वही कवर वाला पोजीशन, जबरदस्ती वाला ही गेम है। ठीक है, ट्राई करना ही पड़ेगा स्पिनर पे। पिछली बार तो अच्छा खेले थे, इस बार भी शुरुआत अच्छी हुई है। बटोर लो जितने बटोर सकते हो रन। फील्डिंग ही चेंज कर दिया, स्ट्रेट मौका है हमारे पास, बैट थोड़ा सा खुला है, पोजीशन बदलाव किया। क्लीन बॉल, कैसे कैसे बल्लेबाज को भी समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे, इतना तेज निकला। हमारे हिसाब से टाइमिंग पुराना वाला ही था, सीधा खेला था बस हमने, ये चेंज था। अब फील्डर आ गया था तो आप वहां से नहीं मार सकते थे, बट इंडिया को बहुत बड़ा झटका। कहां मिस हुआ मैं ये मैच, इंडिया भाई फिर पीछे होता हुआ ये 2 विकेट खोने के बाद। रिप्ले, आप सारे रिप्ले दिखा रहे हो तुम एक के बाद एक, मैं आउट हुआ हूं तब। अरे भाई कितने रिप्ले हैं ये वाले, बोल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस। द्रविड़ आउट हुआ 15 में 33 करके, एक बंदा और खेल जाए वैसे पानी, 6 में 16 वाली भी चलेगी। सारे फील्डर ऑफ स्टंप की दीवार बना दी, एडवांस ना 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 मत लेना एडवांस तो बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से स्पिन हो गई डॉट, अरे यार ये नहीं टच होगी, मोस्टली टच नहीं होगी। अरे बचा 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 बचा, फील्डर अच्छा है, पूरा खाली है जोन, 3 की इच्छा हो रही है। 3 रन, 3 रन, 3 रन, 3 रन, नहीं 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 नहीं, हाँ 2 आए हैं, 20 नहीं आ रहे अब ओवर में। हाँ अगर नहीं आएंगे अब, 6 चाहिए, फील्डर की तरफ खेला है, रोकने की कोई उम्मीद नहीं। क्लोज हुआ था थोड़ा ऐसा लगा, और नीचे रिसेट हुआ। एक चीज नोटिस करने लायक है कि अरे ये कहाँ जा रहा, फील्डर की तरफ, ओ अच्छा शॉट था इंडिया के पास, भाई कोई और रास्ता था नहीं, लॉफ्टेड ही एक सहारा था यहाँ से इस खराब सिनेरियो से निकल के आगे बढ़ने का, बट फंस गई है टीम इंडिया यहाँ पे। तो शक्तिमान का कपड़ा पहन के आए हैं सारे वेस्ट इंडीज वाले, वो आधा गड़बड़ा है। डीप लॉन्ग ऑन, इंडिया का विकेट और खोता हुए हम लोग। अब ये मैच में क्या है, ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, 20% था इस खिलाड़ी का वो ग्राफ बैट्समैन का। क्या युवराज सिंह यहां से हमें मैच में बाहर ले जा सकते हैं, एडवांस तो भाई नहीं बनेगा। बीट हुए हो, नवाल नवाल, अरे उसने फुल पेस यूज किया था शायद, अबे क्या है ये। 10 गेंदों में 28, बढ़िया बाउंसर गेंद है, अरे ओ गिर गए बल्लेबाज, घायल, इतना रियल उठेगा कि नहीं उठेगा, उठ रहा है भाई, वन ऑफ द बेस्ट, अगर बाउंसर रिएक्शन की बात आते हो तो अभी की गेम से कई गुना ज्यादा अच्छा। बट यार डॉट चली गई, खेल दिया है लॉन्ग ऑन, फील्डर नीचे आ रहा है, एक और झटका, 7वां विकेट। एक समय लगा था गेम इजी है, एक समय लग रहा हार्ड है। 28 चाहिए, गेंदें बची हैं सिर्फ 9 8, और दिक्कत यह है कि अब विकेट भी 3 ही बचे हैं, तो ऑल आउट के करीब बढ़ रहे हैं हम लोग। टफ पड़ गया, बहुत टफ पड़ गया, हरभजन भी आउट, दत्त तक लेके, युवराज सिंह के पास मौका था, मिस कर दिया, एडवांस ले रहे हैं जाते जाते एक बीट।
युवराज सिंह स्ट्राइक पे हैं, सरवन गेंदबाजी में हैं, 27 करना है जीतने के लिए इस मैच को इंडिया को। युवराज कैन यू डू इट, लेट्स फाइंड इट आउट। और दो विकेट निकाले सरवन ने एक ओवर में 10 रन देके, इसकी ही कोशिश होगी वरना कुछ नहीं। अरे सामने पकड़ाए हैं मतलब कि नहीं, अंपायर तो रन अप देखने जा रहे हैं कि रन तो नहीं दौड़ रहा है, नॉट आउट। ओ हो यॉर्कर लेंथ सामने खेलने जा रहे हैं हम लोग, हिट कर दिया है और ये गिरा है। ठीक है, मिस फील्डिंग देखने को मिली है, दौड़ भाई दो, मिस फील्डिंग होती है, मतलब 4 sixes और आपकी गेम ड्रॉ हो सकती है। 4 sixes नहीं, फिर पहले गिरेगी, इस बार मिस फील्डिंग नहीं, इस बार हम दो दौड़ा रहे हैं, इस बार आउट होंगे। नहीं, डाइव का ऑप्शन नहीं लगा पाए हम लोग, रन आउट हुए जहीर खान। युवराज स्ट्राइक पे कंटिन्यू, लेकिन इंडिया की हार भी इसी के साथ निश्चित हो गई, इस रन आउट के साथ, इस एक रन के साथ। वो वाला शॉट लगा है जो हमारा अभी तक लगा नहीं है, नहीं एल भी तो नहीं है क्योंकि लेग स्टंप मिसिंग है। मैं झूठ नहीं कहूँगा बट मुझे लग रहा था 173-174 ही एक अच्छा टोटल होगा, बट ये भाई साहब ने इतने रन दे दिए और बहुत लेट आया चौका। 177 पे इंडिया रुका है, अगर 180 के आसपास होता स्कोर तो शायद तब तो क्लोज होता, बट वेस्ट इंडीज ने इजीली इस मैच को जीत लिया है। सेलिब्रेशन कैसा आता है, अरे ये क्या है, अभी भी ये लोग इसे ही दिखा रहे हैं। बॉलिंग बाकी है, एक बॉल तो स्क्रीन पे कुछ लिखा नहीं रहता कितनी बॉल हुई है क्या है। चलो जाते जाते एक एडवांस ले लेते हैं, अधिक से अधिक स्टम्पिंग होगा ना। नहीं स्टम्पिंग तो नहीं हुआ है, एक रन आया है, दैट्स द एंड ऑफ द मैच। और जी हाँ, वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया और तीसरा T20 भी प्रेडिक्शन के हिसाब से इंडिया विल लूज। ये पूरा का पूरा स्कोर कार्ड आ रहा है फर्स्ट इनिंग का और सेकेंड इनिंग का, नीचे ऊपर नहीं होता, बस ये पुराने जमाने की गेम है तो उसी हिसाब से निकालता है। बॉलिंग स्टेट्स कुछ ऐसे हैं, दो विकेट, एक विकेट, तीन विकेट आशीष नेहरा को मिले। तो यही था भाई गेम प्ले क्रिकेट 2004 का, ये क्रिकेट का अगला T20 कौन से गेम में खेला जाए वो कमेंट कर देना भाई, अगला मैच कौन से गेम प्ले में किया जाए वो बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई प्लीज़ लाइक कर देना, ऐसा नहीं कि भाई ये गेम नहीं आई तो आप लाइक ना करो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।